देता हूँ। इसने तो नहीं प्लीज नहीं, ये अगर मैं हाँ ठीक है, मेरे को ये मेज़ दे दी गई है। सो ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड एंड आज मैं फिर से द बेबी इन येलो को कंटिन्यू करने वाला हूँ। मैंने सोचा था कि इसमें सिर्फ एक आधी एपिसोड रह गए होंगे, बट स्टिल लास्ट 3 और बाकी है। तो आज मैं द एग्जिट खेलूँगा एंड डोंट लीव मी अलोन, स्टे हेयर स्टे फॉरएवर। एंड आज मैं द एग्जिट कंटिन्यू करने वाला हूँ। जैसा कि पिछली बार मैं एलिवेटर में जाके घर चला गया था अपने, बट स्टिल आज एलिवेटर से एंट्री ली है हमने। एंड मैं बस यही चेक कर रहा था यार, घर में ना इम्प्रूवमेंट हुई है। जैसे कि गेट के सामने यहाँ पे इन लोगों ने एलिवेटर लगवा दिया। फिर मम्मी पापा कब आए थे और ये सारा काम कब हुआ, कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस कब हुआ, और इतना जल्दी मेरा घर बन भी गया। बाय द वे, इन लोगों ने सारी चीज़ें चेंज कर दी। जो चीज़ें लेफ्ट में थी उसको राइट में रख कर दिया इन लोगों ने, एंड यहाँ पे जो चीज़ें राइट में थी उसे उठा के लेफ्ट में कर दिया। सो गिव बॉटल टू द बेबी, चेंज बेबी, टेक बेबी टू चेंजिंग टेबल, लेट्स गो। ये पी वी मत किया अगर, ठीक है ना, ये तो दूध पीने के बाद ये पी मत किया अगर, ठीक है। यहाँ पे कुछ पड़ा था, आई थिंक की थी वो एक, पहले इसकी नैपी चेक कहाँ गया तो? यहाँ पे एक की पड़ी हुई है, कहाँ यूज़ होगी ये वाली की बाय द वे। स्टिल पहले मैं इसको, पहले इस बेबी की नैपकिन चेंज करूँ। मेड बना के रख दिया है मेरे को तो इसके घर वालों ने। फीड द बेबी, गेट बॉटल फ्रॉम द फ्रिज। फिर से अभी जस्ट अभी मैंने यही चीज़ की है, मुझे फिर से करनी पड़ेगी ये चीज़। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं दे देता हूँ इसे। इसके घर में यहाँ पे एक म्यूज़िक भी बज रहा है, लेकिन बट स्टिल वो समझ भी नहीं आ रहा, सुनाई तक नहीं दे रहा मेरे को। यहाँ पे फिर से नैपी इसकी चेंज करो। फिर से गायब हो गया ये, फिर से आके यहाँ टीवी देख रहा है। टीवी में ऐसा आ क्या रहा है मुझे भी बता, मैं भी देखूँ ताकि बैठ के तेरे साथ बगल में पॉपकॉर्न लेके बैठूँ मैं भी। खुश रह तू पहले तो, ठीक है। एंड इस बार मैं इसको बॉटल देके मैं पहले घर देखने वाला हूँ कि घर में इम्प्रूवमेंट्स क्या हुई है एंड क्या क्या चीज़ें चेंज की हैं इन लोगों ने। पहले तो भाई मुझे ना, तूने फिर से पी कर दी, पहले तो तू चल, तेरे को मैं नीचे छोड़ गया हूँ। नहीं जा सकता मैं क्या, तू यहीं रह, यहीं रह तू, मैं बाहर चला जाऊँ। कोई बात नहीं, रो रहा है, इसको फिर से हम यहाँ ले आके छोड़ देते हैं एंड फिर देखते हैं क्या है। बाय द वे, मैं यहाँ पे के उठा सकता हूँ क्या? चेंजिंग मैट नहीं यार, चेंजिंग मैट नहीं उठा सकता शायद मैं तो। मेरे को फिर से गायब हो गया ये, फिर से टीवी देख रहा है। क्या आ रहा है टीवी में ऐसा, प्लीज़ मुझे बता ताकि मैं भी बैठ के देखूँ। सिर्फ येलो स्क्रीन दिख रही है, येलो फ्लैग, येलो येलो हो रहा है सब कुछ। यहाँ पे की पड़ी है एंड मैं इसको उठा सकता हूँ। ये की लगेगी कहाँ? इन लोगों ने एक वहाँ पे पड़ी हुई है, ठीक है की, एंड यहाँ पे एक और मिल गई। एंड देखता हूँ ये कि ये यूज़ कहाँ पे होनी है। यहाँ पे एक रैबिट है एंड एरो भी दे रखा है ऊपर जाने का। सो ये गेट लॉक पड़ा है, की उठा यार, क्योंकि चाबी क्यों गिरा रहा है, ये भी लॉक है। एंड यहाँ पर पिंक कलर की की लगेगी जिसमें हार्ट बनाओ, तो यही है ना, हाँ। तो मेरे को वो पिंक की ढूंढनी पड़ेगी, पिंक की चेन के साथ या जो भी मर्जी बोल लो इसको, ठीक है। तो कहाँ मिलेगी? बैलून, ब्लॉक, बास्केटबॉल, डॉक्टर प्लेन, सब कुछ पड़ा है इसके। टॉक्स कह रहा हूँ, इसके खिलौने के बॉक्स में। एंड की मैं यहाँ पे सारी एक जगह पे रख देता हूँ ताकि बाद में मुझे ढूंढने में दिक्कत ना हो। मेरे को पिंक कलर की की चाहिए, पहले वो ऊपर वाला गेट खोलेंगे एंड उसके बाद जो भी होगा देखा जाएगा। तू ये बैठ के यहाँ पे टीवी देख, चिल मार, तब तक मैं अपना काम कर लेता हूँ। भूखा बैठा रहे थोड़ी देर तू भी। वो जो मेरे तो नहीं डाल रखी इन लोगों ने, स्टॉक्स में पड़ा वो पता चल रहा है कि यहाँ पे अवन में पड़ी है। चलो ठीक है। बाय द वे, मैं हमेशा जब भी पहले मैं गेम खेलता था, मैंने हमेशा अवन तो मैं हमेशा चेक करता था, बट स्टिल आज कुछ फ़ायदा हुआ मेरे को अवन चेक करने से। इन कीज़ को अलग अलग करके रख ताकि मिक्स ना हो ये एक साथ। एंड यहाँ पे आने के बाद मैं सारे कवर्ड चेक करता हूँ कि यहाँ पर मुझे कुछ मिल जाए। सारे गेट ओपन करता हूँ मैं, यहाँ पे खाली पड़ा है, कुछ नहीं मिल रहा, सिर्फ अवन में ही एक की पड़ी थी एंड फ्रिज में तो ऑब्वियसली कुछ नहीं होगा। सो और बंद कर इसे, यहाँ पे नहीं है। चलो बॉटल लेके चलता हूँ मैं, उसको दे देता हूँ एंड उसके बाद हम चलेंगे ऊपर की तरफ क्योंकि नीचे तो मुझे कुछ मिला नहीं। मेरी नैपी मैं नहीं चेंज करने वाला, मैं चाह रहा हूँ कि ठीक है मेरे को यहाँ पे यस फाइनली मेरे को ये की मिल चुकी है एंड अब मैं जा रहा हूँ उस ताले को खोलने एंड मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। क्या है इस गेट के पीछे ऐसा? हेलो भाई, तुम मजाक कर रहे हो? मजाक कर रहे हो तो बता दो। इतना मेरे को इतना मेहनत करवाई तुम लोगों ने, की ढूंढी मैंने, सब कुछ किया और यहाँ पे एक टॉय पड़े हैं बस। That's not fine. But still enough, इनको बिगाड़ने में मुझे मज़ा आ रहा था। एंड जैसे मैं यहाँ पे इसे बोलता हूँ, यहाँ पे क्या है ये चेंज बेबी फेल्ड। अरे ठीक है ना, नहीं करना मुझे, मैं जा रहा हूँ, मुझे इस घर से निकालो बस जैसे तैसे करके। पागल हो चुका हूँ मैं मीट बन के। टेक द बेबी टू बेड, ही इज़ अ टायर्ड बॉय। अरे जाना। बट स्टिल मैं इसको लेके चलता हूँ यार, यही करना है, यहाँ पे तो बोल रखा है मेरे को। एंड यहाँ से जाना है मुझे। तेरा रूम कौन सा है? सारे रूम लॉक पड़े हैं यहाँ पे। तेरा कमरा नंबर कौन सा है? रूम नंबर क्या है तेरे घर का? यहाँ पे लेटर वेटर पड़े हैं किसी के घर के, चुरा के नहीं लेके जा सकता मैं। प्राइवेसी है, प्राइवेसी नाम की चीज़ है यहाँ पे। अच्छा ये कहाँ जाऊँ मैं? अच्छा यहाँ पे चल। तेरा बेड कितना दूर है? अब तेरा घर कहाँ है मेरे को समझ नहीं आ रहा। कहाँ जाना है? यहाँ पे नहीं, उठा उठा। अरे रोए मत तू, ठीक है ना, लेके चल रहा हूँ मैं तुझे, डर मत। बस लेट्स गो भाई। इसके बेड पे हम आ चुके हैं। ये सब क्या गंदील पना मचा रखा है यहाँ पे, कुछ ठीक नहीं लग रहा मुझे यहाँ पे। पहले इसको यहाँ पे इसमें डाल। बाय बाय, गुड नाइट। टेक द बेबी टू बेड। अरे डाल तो दिया, पहले इसको छोड़, वो सोल कलेक्ट कर पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल बोलकस टू, ये तो ऐसी दांत फाड़ता रहेगा। सोल कलेक्ट कर ले पहले तो। यस हाँ, अब बता क्या करना, क्या है मुझे तेरे साथ? I mean, क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करूँ अब मैं तुझे? जाऊँ मैं, हो गया मेरा काम। ये तो वही रास्ता आ गया दोबारा से। भाई तुम मजाक कर रहे हो क्या? फिर से वही रास्ता दे दिया मेरे को और फिर से बोल रखा है टेक द बेबी टू द बेड, ही इज़ अ टायर्ड बॉय। अभी जस्ट छोड़ के आया हूँ मैं उसे। चल कोई बात नहीं, एक बार और सही, लेकिन बट स्टिल मुझे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ना समझ आ रही है। जो चीज़ मैं कर दे रहा हूँ ना, वो चीज़ मुझे दोबारा रिपीट करनी पड़ रही है। एंड इस बार मैं इसको उसके बेड पे रखने की जगह ना, मैं इसको नीचे फेंक दूँगा और कट लूँगा मैं फिर वहाँ से। अरे रुक जा, रोए मत, क्या क्या कर रहा फालतू में। तो जैसा कि मैंने सोचा है, मैं गेट ओपन करता हूँ। चल आगे चल, यहाँ पे कुछ नहीं है वैसे भी। तो मैं इसके बेडरूम में जाऊँगा एंड इसको बेड पे ना लिटा के ना सुला के मैं इसे नीचे फेंक दूँगा एंड आगे की तरफ बढ़ जाऊँगा। देन देखते हैं मैं प्रोग्रेस करता हूँ इस गेम में या फिर नहीं, या फिर मुझे कुछ और करना है यहाँ पे। सो बाय बेबी, तुम रोते रहो यहाँ पे। तो मैं निकल जाऊँ सेफली? यस ठीक है, कुछ नहीं हुआ। यस भाई फाइनली मैं जा सकता हूँ ना, कोई रोकेगा नहीं ना मेरे को। यस आई थिंक मुझे जितनी भी चीज़ें इसमें बोली गई है ना, वो सारी चीज़ें फॉलो नहीं करनी है। यू आर फीलिंग स्लीपी, वॉच टीवी। नींद आ रही है मुझे, टीवी क्यों देखूँ? हाँ यार, दैट्स नॉट फाइन भाई, दैट्स नॉट फाइन। यू आर फीलिंग स्लीपी। तो भाई तो मुझे नींद आ रही है, मैं टीवी क्यों देखूं? मैं कट ना लूँ यहाँ से पहले? नहीं ये अगर मैं, हाँ ठीक है, मेरे को ये मेज़ दे दी गई है उन लोगों ने एंड अब मुझे यहाँ से निकलना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं निकलूँ यार पहले तो यहाँ से, फिर देखते हैं क्या सीन है। इधर जाना है? नहीं, लॉक पड़ा है ये इधर। ठीक है, नहीं इतनी सारी टीवी क्यों रख रखी है मेरे सामने? ये तो अगर मैं किसी भी टीवी के सामने जस्ट 2 सेकेंड्स के लिए भी अगर मैंने देखा किसी भी टीवी में, तो मैं तो मर जाऊँगा। नहीं ठीक है, फाइनली आई एम सेफ, यू आर फीलिंग स्लीपी। हाँ तुम मुझे भी मेरे घर भेजो ना यार, ये मुझे ना उसी जगह पे बार बार घुमा रहे हैं बस। एंड टेक द बेबी टू बेड अगेन, ही इज़ वेरी टायर्ड बॉय। मुझे कोई मतलब नहीं है उससे, मैं जा रहा हूँ, कट रहा हूँ बस यहाँ से। लेट्स गो भाई, लेट्स गो। इस बार फाइनली आई थिंक मैं निकल जाऊँगा। नहीं, कौन था इस गेट पे? ये ठीक नहीं लग रहा मुझे। इधर ओपन, ये व्हाट इज दिस ब्रो, क्या है ये? इतनी सारी आँखें। लॉक, ठीक है ठीक है। ये नहीं, ये आगे जाना है मुझे, और कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। हाँ ठीक है, सो ठीक है, ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, बट स्टिल अभी तक जब भी खेल रहा हूँ ना ये गेम, मुझे पता नहीं क्यों डर सा लग रहा है अंदर ही, मैं समझ नहीं पा रहा क्यों, बट स्टिल लग रहा है। और यहाँ पे करना क्या है, तुझे उस बेड में लेटाना है। एंड जैसे ही मैं इसको बेड पे लेके आता हूँ, इसने तो बिल्कुल, मुझे मालूम था कुछ ना कुछ होने वाला है यहाँ पे। हेड डाउन, कर्ल्ड हॉर्न्स प्राउड, पेंटिव क्राई श्रिल एंड लाउड, चार्जिंग ब्लाइड इन टू मिस्टी कॉसवर्ड। मुझे मालूम था मैं जैसे ही उसे बेड में रखूँगा ना, मेरे साथ कुछ ना कुछ होगा, इसलिए मैं पहले ही दिल कैड़ा करके बैठ गया था यहाँ पे। तो मैं बिल्कुल ये डरा वहाँ पे, तो बिल्कुल ये एक अच्छी चीज़ है, इस बार मैं वो चीज़ नहीं करूँगा। लेकिन फिर मुझे वहाँ जाके करना क्या है यार? गेट खोल के मत डराओ, कौन है बे? इस बार तो मुझे सारी चीज़ें मालूम है कि मुझे करना क्या है, तो इस बार डरने वाली कोई बात ही नहीं है। जल्दी जल्दी चलते हैं। एंड अरे जाना नहीं, डरता मैं तेरे से, चल। मैं उस बेबी को वहीं पे छोड़ के, पहले सोल कलेक्ट कर, उस बेबी को वहीं पे छोड़ के मैं इधर को आ जाता हूँ। एक यहाँ पे एरो बना हुआ है, आगे जाऊँ मैं? रास्ता तो है ही नहीं, आगे कैसे जाऊँ? मैं ट्राई करता हूँ आगे जाने का, बट स्टिल मैं हवा में रुक गया। काला जादू आता है क्या मेरे को? तो अच्छी बात है, तो आगे भी चलना। काला जादू आता है अगर मुझे, तो मैं काला जादू कर सकता हूँ, तो इस बच्चे को क्यों नहीं बस ठिकाने लगाता? पंकज तू इधर आ, तू इधर आ, मेरे साथ आ, तुझे बताता हूँ मैं। देख लो आँखें, और इसके पीछे जो सन या जो भी है, ये पूरा पूरा मैच कर रहा है। तू ही नीचे जा पहले, बहुत परेशान कर रखा है तूने मुझे। ओ भाई, यस 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 यस, मुझे मालूम नहीं था मुझे यही चीज़ कर रही है, बट स्टिल मैंने तो जानबूझ के नहीं, मतलब हाँ मैं चाहता था कि मैं उसे कैसे भी करके हटा दूँ अपने पास से, बस मैंने वही किया। एंड यहाँ से नीचे जाना है मुझे, ठीक है, लेट्स गो भाई। उस बच्चे का काम तमाम कर दिया मैंने, लग रहा है मुझे तो। ठीक है, मुझे यहाँ पे जाना है। हाँ नहीं प्लीज़, गुड नाइट। एकदम मुँह पे ही आ गया यार, बिल्कुल ही। मुझे जाना कहाँ है वहाँ पे? मैंने एरो देखा था साइड पे, मैं निकल रहा हूँ अब। इस बार मैं कोई गलती नहीं कर, जाऊँ कहाँ यार? शिट डैम। ठीक है, इस बार इधर जाना, लेफ्ट और राइट, इधर चलते हैं पहले। अरे वो खोल इस गेट को जल्दी। ठीक है ठीक है, लेट्स गो भाई। नहीं, कहाँ जाना है? कहाँ जाऊँ मैं? नीचे से जाना है मेरे को। बैठ बैठ, नहीं जा पा रहा मैं, नहीं। अरे यार, तो जाना किधर है मेरे को? इस साइड में? इधर नहीं, इस साइड में जा नहीं सकता बिल्कुल भी, मेरे को वहीं पे जाना है, बट स्टिल मेरे को वहाँ पे रास्ता नहीं मिल रहा ना, मेन दिक्कत वही है। ठीक है, मेरे को यहाँ से नीचे जाना था यार, शिट। ठीक है, लेट्स गो प्ले हाइड एंड सीक, कम एंड फाइंड मी। अरे मेरा मन नहीं खेलने का, मुझे घर जाना है। पहले सोल कलेक्ट कर लेता हूँ, सोल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग भाई, सबसे ज़्यादा सोल इम्पोर्टेंट है मेरे लिए तो। एंड इधर से मैं निकलता हूँ, यस आगे चलते हैं अभी तो। ठीक है, चीजिंग थीम फिर से स्टार्ट हो गया शायद से। एंड ठीक है, निकल पंकज, वो मेरे पीछे है या फिर नहीं? वो ये एरो पीछे की तरफ दिखा रहे थे, मैं पीछे जैसी मुड़ा। हाँ मुझे पता चल गया है, यहाँ पे चेजिंग सीन है। इस बार मैं गेम के इंस्ट्रक्शन को नहीं फॉलो करूँगा, बट स्टिल मैं यहाँ पे मैं अभी तो काला जादू कर सकता हूँ। मैं इस टैप से नीचे नहीं गिर रहा, ठीक है, जो भी है। कौन से गेट पे जाऊँ मैं, समझ ही नहीं आ रहा मुझे। दोनों गेट लॉक पड़े थे वहाँ पे। काला जादू मुझे भी आता है, मैं नीचे नहीं गिर रहा। दैट्स अ गुड भाई। मैं इन एरो पे ध्यान ही नहीं दूँगा, मैं कट रहा हूँ बस, सीधा सीधा भाग रहा हूँ मैं। नहीं ठीक है ठीक है, गेट ओपन ही है अभी भी। लेट्स गो भाई। मैं अब कहाँ जाऊँ मैं, नहीं अभी वो आ ही रहा होगा पंकज, जल्दी रास्ता ढूंढ। ठीक है, ये एरो मिल गए मुझे। लेट्स गो। यस, तेरे को सॉरी बोल दिया है मैंने, ठीक है ना। मेरे साथ पंगे मत ले, मैं बहुत मारूंगा। ठीक है ठीक है, नहीं हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ से मेरे को सेफली रास्ता मिल चुका है। एंड लेट्स गो भाई, फाइनली आई एस्केप। आई होप रन लिटिल रैबिट, यू आर नॉट द ओनली वन, देयर विल ऑलवेज बी मोर। यस, फाइनली मैं एस्केप कर चुका हूँ। यही है ना, एस्केप कर गया ना मैं सारी चीज़ें। लेट्स गो। व्हाट? अक्रॉस द शोर इन डिस्टेंट लैंड्स। क्या करना है मुझे? एंटर द अपार्टमेंट। क्यों? एस्केप तो हो गया मैं। अरे यार, डैम। अभी कुछ देर पहले तो तुम्हारे घर के सामने लिफ्ट बनी हुई थी। कहाँ, कैसे लिफ्ट इतनी जल्दी? कंस्ट्रक्शन प्रोसेस इनके घर का ना बहुत ज़्यादा फास्ट है। सारी चीज़ें इन लोगों ने दोबारा से इधर उधर कर दी, चेंज कर दी, अपोजिट। एंड भूकंप आ रखा है, बहुत ही गंदा हालत। मुझे जाना कहाँ है, मैं किसे ढूंढ रहा हूँ? फॉलो द ब्लैक कैट। कहाँ है, कहाँ पे है वो ब्लैक बिल्ली? अली बिल्ली आई मीन। ऊपर तो आ गया मैं, और वो है कहाँ? ओए येरी मिल गई। ओए एक क्यूटी। अरे किटी कितनी प्यारी होती है ना। मेरे को भी साथ ले चल। डर लग रहा है मुझे इसकी आँखें देख के। नहीं, ये तो इस पेंटिंग में चली गई। मुझे क्या करना है यहाँ पे? बट नहीं 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 नहीं, मैं उसकी तरफ खिंचता जा रहा हूँ। नहीं सॉरी, नहीं डैम। फिर से मेरे साथ एक। वाह यार, जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ भाई। मस्त व्यू देख रहे हो तुम, मस्त मज़ा आ रहा है मुझे तो। ऐसा लग रहा है सपनों में पहुंच गया हूँ मैं, इमेजिन कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें। एंड उसके बाद ये कैट गायब हो गई। अब तो मुझे और कुछ अच्छा नहीं लग रहा। काली बिल्ली ना बहुत बेकार होती है, सीरियसली। मैंने पता नहीं इसको फॉलो क्यों किया, बट स्टिल हो गया। यस भाई, क्यूरियोसिटी। एंड मैं इस चैप्टर को नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करूँगा, क्यूरियोसिटी का। बाय द वे, एग्जिट जो भी था इस गेम में जितने भी हॉरिफाइंग चीज़ें एंड चेजिंग सीन आए, ठीक है, जितनी बार भी उस बच्चे ने मुझे परेशान किया एंड वो मॉन्स्टर बन के मेरे को बहुत ज़्यादा परेशान किया, बट स्टिल आई एन्जॉयड भाई। एज ऑलवेज, अगर तुम्हें भी वीडियो पसंद आया हो ना, तो ड्रॉप ए लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। ऐसी गेम प्ले वीडियोज़ देखना पसंद है तो। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।